हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? 25 अप्रैल 2023 करंट अफेयर का सेशन लेकर मैं हिमांशु, आप सभी का हिमांशु मिश्रा एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप आप डेली करंट अफेयर के सेशन फॉलो कर रहे होंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो स्टार्ट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एंड तक देखा करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। कॉमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं कि आपको सेशन कैसा लगा, और साथ के साथ शाम 4 बजे का जो जीके क्विज़ हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, आप उसे भी रेगुलर बेस पर फॉलो कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये सेशन। पहला क्वेश्चन लेंगे, पहली भारत मध्य एशिया संस्कृति मंत्री की बैठक की मेज़बानी किसने की? तो ये हैं जी किशन रेड्डी। किशन रेड्डी संस्कृति पर्यटन उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने 3 अप्रैल 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत मध्य एशिया संस्कृति मंत्रियों की पहली बैठक की मेज़बानी की। किस देश में इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन की जगह में मतपत्र का उपयोग कर आम चुनाव कराने की घोषणा की? तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश में अगले आम चुनाव मतपत्र का उपयोग करके होंगे। सोमवार को ढाका में चुनाव आयोग ने घोषणा की। चुनाव आयोग की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए चुनाव आयोग सचिव ने कहा कि चुनाव आयोग ने मतपत्रों और पारदर्शी मत पेटियों का उपयोग करके सभी 300 संसदीय सीटों पर आम चुनाव कराने का फैसला किया है। किस देश ने निवेश परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल शुरू की? तो यह है बहरीन। बहरीन ने देश में निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल शुरू की, और इसका उद्देश्य बहरीन में बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं के साथ स्थानीय और विदेशी व्यवसायों को सुव्यवस्थित सेवाएँ और लाभ प्रदान करना है। नोवाक जोकोविच रिकॉर्ड 380वें सप्ताह के ATP रैंकिंग में किस स्थान पर रहे? तो यह है पहले। नोवाक जोकोविच ने सोमवार को 93 बार के टूर लेवल चैंपियन के रूप में उपलब्धि हासिल की और वर्ल्ड नंबर वन के रूप में स्टेफनी ग्राफ के सबसे अधिक हफ्तों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन ने ATP रैंकिंग के इतिहास में नंबर वन के रूप में सबसे अधिक हफ्तों का रिकॉर्ड पहले ही अपने नाम कर लिया था। किस खिलाड़ी ने अपना चौथा ATP टेनिस टूर्नामेंट जीता? तो ये है डैनियल मेदवेदेव। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, डैनियल मेदवेदेव। डैनियल मेदवेदेव ने मियामी ओपन टेनिस के फाइनल में इटली यानिक सिनर को 7-5, 6-3 से हराकर साल का अपना चौथा ATP खिताब जीता। भारत और किस देश ने अपने पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये है रोमानिया। रोमानिया के उपरक्षा मंत्री सिमोना कोजोकारू ने हाल ही में भारत के रक्षा सचिव गिरिधर अरमने से नई दिल्ली में मुलाकात की, जिससे दोनों देशों ने अपना पहला रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। किस देश के संगीतकार और पॉप पायनियर रेयुची सकामोटो का निधन हुआ? तो ये है जापान। किसने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजनेस 20 सम्मेलन की मेज़बानी की? तो ये है नागालैंड। नागालैंड मंगलवार से 3 दिवसीय चौथे और अंतिम B20 सत्र की मेज़बानी करेगा, जो कि वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए आधिकारिक G20 संवाद मंच के हिस्से के रूप में पूर्वोत्तर में आयोजित किया जा रहा है। फिक्की महिला संगठन की 40वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये है सुधा शिवकुमार। सुधा शिवकुमार को फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के 40वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है, जो दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे पुरानी महिला प्रधान व्यवसायी पट्टी है। नियुक्ति 39वें वार्षिक सत्र के दौरान हुई है। FLO के अध्यक्ष के रूप में शिवकुमार महिलाओं को शक्तिशाली बनाने की, उद्यमिता, उद्योग सहभागिता और महिलाओं के लिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने का लक्ष्य रखती है। तो इनका नाम याद रखिएगा, सुधा शिवकुमार। किस राज्य ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की? तो यह है तेलंगाना। कूल रूफ पॉलिसी पेश करने वाला देश का पहला राज्य बना है तेलंगाना। गर्मी के प्रभाव को कम करना नीति का उद्देश्य तेलंगाना सरकार ने सोमवार को तेलंगाना कूल रूफ पॉलिसी 2023-28 पेशकश की। किसने CBI का हरिक जयंती समारोह का उद्घाटन किया? तो यह है नरेंद्र मोदी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना भारत सरकार के गृह मंत्रालय के दिनांक 1 अप्रैल 1963 के एक संकल्प द्वारा की गई थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 3 अप्रैल को दोपहर 12 बजे नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्टार्टअप के लिए समर्थित अपनी पहली शाखा का उद्घाटन कहाँ किया? तो यह है पुणे। बैंक ने पुणे में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली समर्पित शाखा का उद्घाटन किया। AS राजीव प्रबंध निदेशक एंड CEO बैंक ऑफ महाराष्ट्र तथा प्रशांत गिरबाने डायरेक्टर जनरल मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ने यशोमंगल पुणे शहर अंचल कार्यालय FC रोड में स्टार्टअप शाखा का उद्घाटन किया।
किस देश ने नए संविधान पर जन्मत संग्रह कराया? तो ये है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान ने 30 अप्रैल को एक नए संविधान पर जन्मत संग्रह कराया। यह संविधान उज्बेकिस्तान को एक संप्रभु लोकतांत्रिक कानूनी और सामाजिक राज्य घोषित करने का प्रयास करता है। संविधान व्यक्तिगत अधिकारों से लेकर संसद की शक्तियों के विस्तार तक के नए नियमों को भी स्थापित करता है। ARTऔर सैरोगेसी बोर्ड का विशेषज्ञ सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो ये है डॉक्टर RG पटेल, प्रख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञ और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर RG पटेल को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 2 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी और सैरोगेसी बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। RBI के नए कार्यकारी निर्देशक कौन बने? तो ये है नीरज निगम। किस राज्य ने 3 में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो ये है राजस्थान। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राज्य सरकार के आधिकारिक बयान में बताया गया कि 3 नए मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद में स्थापित किए जाएंगे। रेपो रेट क्या है? तो ये है करेक्ट आंसर सी, वह दर जिस पर RBI बैंकों को उधार देता है पैसा। RBI ने नीतिगत दरों पर यथास्थिति की घोषणा की और स्थायी जमा सुविधा SDF दर 6.25% और सीमांत स्थायी सुधा MSF दर और बैंक दर 6.75% पर स्थिर रहेगी। तो याद रखिएगा रेपो रेट क्या है, जिस दर पर RBI बैंकों को उधार देता है। किस राज्य के 11 उत्पादों को GI टैग दिया गया? तो ये है उत्तर प्रदेश। इस साल उत्तर प्रदेश ने कुल 11 उत्पादों को GI टैग के तहत रजिस्टर करवाया है। भारत और किस देश के बीच कोप इंडिया सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये है अमेरिका। अभ्यास कोप इंडिया भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास पश्चिम बंगाल में संपन्न हुआ। यह अभ्यास दोनों देशों के वायुसेना के मध्य हुआ। तापमान में वृद्धि के मामले में भारत किस स्थान पर रहा? तो ये है पाँचवा स्थान है इस साल तापमान में वृद्धि के मामले में। कैसा लगा आपको 25 अप्रैल का ये छोटा सा सेशन, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ। आज शाम का GK क्विज़ देखना ना भूलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और हमारे साथ बने रहें। कल फिर मुलाकात होगी दोस्तों एक नए सेशन के साथ। तब तक हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।